कश्मीरी झलक आप लोगों को दिखाते हैं क्या है सीन। आज लग रहा है 85% मेरा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस एनवायरनमेंट को, मेरे पीछे बैकग्राउंड को, और किस तरीके से बैकग्राउंड है वो उस तरीके से आपको पता चलेगा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड एज आई एम डूइंग गुड इन कश्मीर। सो राइट नाउ टाइम हो रहा है 10:40, डेट है 11th of April। पहली बार कश्मीर आया हूँ। जो भी नाम मैं सुनता था न्यूज़ में, टीवी में, वो सारे ही नाम मैं अभी पीछे छोड़ गया हूँ। मतलब सारे नहीं, करीब 3 से 4 नाम तो मैं पीछे छोड़ गया हूँ। लाइक अनंतनाग हो गया, पुलवामा हो गया, और ऐसे 2-3 है, मैं पहलगाम हो गया, तो वो मैं अभी पीछे छोड़ के आया हूँ। एक्साइटमेंट भाई नेक्स्ट लेवल है। और अभी मैं निकलने वाला हूँ श्रीनगर को एक्सप्लोर करने के लिए, और श्रीनगर में देखते हैं कि क्या क्या है। अभी ये जिस जगह पर मैं हूँ, वो जगह मुझे कैसे मिली, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो चीज़ें मैं अभी आपको मिलाऊंगा किसी से, बहुत ही एक अच्छे पर्सन। तो उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज करी मेरे लिए। पहले तो यहाँ से निकलते हैं। चलो होटल से तो निकल चुका हूँ, और कराते हैं आपको श्रीनगर के शहर। सो ये जो रास्ता जाता है सीधा जाता है आपका लाल चौक घंटाघर। घंटाघर लाल चौक पे रुकेंगे थोड़ी देर, और फिर निकलेंगे ट्यूलिप गार्डन, जो कि कश्मीर की शान और श्रीनगर की आन बान शान सब। बहुत ही बढ़िया मौसम, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, और मज़ेदार मौसम। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ लाल चौक घंटाघर, और एक पर्सन से आपको मिलाता हूँ। उनकी शॉप है और सारी चीज़ें उन्होंने व्यवस्थित करी हैं मेरे लिए। कैसे क्या किया है वो मैं बताता हूँ। तो ये है हमारे साथ में फारूक भाई। सो फारूक भाई से दोस्ती हुई, और इंशा अल्लाह कि बहुत दूर तक चलेगी। नेक्स्ट ईयर भी आएंगे तब भी मिलेंगे। वेलकम एवरी टाइम। तो ये इनकी शॉप है, शॉप में दिखा देता हूँ इसे। इनके सब कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल कंसेशन और वेलकम गिफ्ट एवरी टाइम दे कम टू कश्मीर। वेलकम गिफ्ट तो हमारे लिए रहेगा, थोड़ा लिए भी है। ये मधुर भाई के लिए हमने बनाया है, यही आपको भी मिलेगा एवरी टाइम यू कम टू कश्मीर। ये वेलकम गिफ्ट इन्होंने मेरे लिए दिया है। और इस लाल चौक की थोड़ा सा हिस्ट्री हमें बताइए कि क्या है सीन। बहुत पहले से सर, लगभग 80-90 साल की हिस्ट्री है। अच्छा। तब से ये दुकानें वुकानें बनी, उससे पहले तो बाज़ार नहीं था, तो मेरे फादर यहाँ पे आते थे, तब से ये बाज़ार बना हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो बड़े अच्छे टाइम्स भी गुजरे हैं, बुरे टाइम्स भी गुजरे हैं। लाल चौक वो तो इंडिया को पता है कि लाल चौक पता है, लाल चौक बहुत फेमस है। तो मगर अभी 5-6 साल से शुक्रिया खुदा का सब ठीक चल रहा है। और आपको दिखा दें कि ये है सेंटर में जो बना हुआ है, ये है आपका घंटाघर, जहाँ पे घंटा अवेलेबल नहीं है ना, कि घड़ी नहीं है, मगर घर वहीं पर है, घर वहीं पर है। इस घंटा घड़ी का क्या सीन है यार, क्यों यहाँ पे घड़ी लगाई नहीं गई है? लगाई गई है तो चली नहीं वो बहुत देर तक। अच्छा। तो क्योंकि चौकोना है ये, 4 तरफ से घड़ियाँ लगानी पड़ती है, तो वो एक ही टाइम नहीं दे रही थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ बंद कर दिया है, लगाना ही बंद कर दिया कि वो घंटा और घर रह गया। घड़ी जिस दिन हालात ठीक हो जाएंगे घड़ी भी लग जाएगी। और बता दें मई आज है, दिन है संडे, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं जो मार्केट लगी होती है दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में शुक्र बाज़ार और बुद्ध बाज़ार कहीं कहीं एरिया में लगता है, तो अपने यहाँ लखीमपुर में सोमवार बाज़ार लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे संडे बाज़ार लगा हुआ है। पूरा लाल चौक का एरिया है, ठीक चल रहा है, टूरिज्म ठीक है, कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बाकी अच्छा है। कोविड की मार पड़ी है यहाँ, बहुत अच्छी तरीके से पड़ी है। अभी केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पे लोग जो मास्क वगैरह का यूज़ करते हैं तो अच्छा है। जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो कश्मीर इंशाल्लाह फिर लाल चौक फिर और बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। होपफुली जल्दी ही सही होगा सारी चीज़ें, और जैसी स्थिति अभी बनी हुई है
सीन अभी कुछ ऐसा है कि यहाँ से थोड़ा सा निकलेंगे और ट्यूलिप गार्डन वगैरह जाएंगे, अगर बारिश ना हुई तो, बारिश ने अगर काम ख़राब कर दिया तब तो फिर होटल में स्टे करना पड़ेगा। फारूक भाई ने एक वेलकम गिफ्ट दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कश्मीर सर, ये आपकी मेहरबानी, आप आगे कश्मीर फॉर दिस जेस्चर यार, थैंक यू सो मच सर। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, और फारूक भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई भी यहाँ पे आता है और ड्राई फ्रूट वगैरह लेना चाहता है या कुछ भी किसी भी टाइप की हेल्प, फारूक भाई से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो और ये डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। बाकी डिस्काउंट रहेगा आपको स्पेशल मेरे ऊपर स्पेशल डिस्काउंट रहेगा मेरे वीडियोस को, अगर आप लोग देख के आते हो तो 10% तक डिस्काउंट सीख है 15 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यार जानते हो कोविड का टाइम है, सारे लोग कमाने के लिए ही है यार, ऐसे सिचुएशन में लोग निकल के बाहर कमाने के लिए निकलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा सीन है। टू विजिट कश्मीर अच्छा है हमारे लिए भी आपके लिए भी, तो बस अभी सीन थोड़ा सा बनाते हैं ट्यूलिप गार्डन का और ट्यूलिप गार्डन निकलते हैं यहाँ से। बारिश का मौसम होने वाला है, लगभग 2 बजे तक फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश होने वाली है और होगी डेफिनेटली। ऐसी जगह पे मतलब इतने हेल्पफुल बंदा मिलना, और फारूक भाई से मेरी मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छे पर्सन, बहुत ही अच्छी इनकी सोच, लिटरली व्यवहार इनका बहुत ही अच्छा। जो आप एरिया देख रहे हो ये है डल लेक, और डल लेक में शिकारा में बैठेंगे, वो थोड़ा सा बाद में बैठेंगे ट्यूलिप गार्डन से वापस आने के बाद। इधर ही लगा देते बस किसी का धक्का ना लगे वरना बाइक गिर जाएगी। तो मेरे साथ में एक भाई साहब हैं, मिले थे अभी एक्चुअली। मेरे को क्या है सीन है, लोग ऐसे मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो साथ में चले जा रहा है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? रोहित। रोहित ही इज़ फ्रॉम जम्मू, कहाँ पे वर्किंग हो? जूनियर इंजीनियर इन PDD। ओए होए होए होए, अपने वहाँ PWD, यहाँ पे PDD, अच्छी जगह लगे हो। तो ट्यूलिप गार्डन ये भी आ रहे थे, इन्होंने लिफ्ट मांगी, और अपना तो भाई यही है तो भाई, और यहाँ अभी टहलेंगे। ये आ रहे थे, अब यही मुझे टहलाएंगे, घुमाएंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या सीन है। तो रोहित भाई की वजह से एंट्री मिल गई, अभी अपन ट्यूलिप गार्डन घूमेंगे। ट्यूलिप गार्डन पहुंच गया हूं ऑलरेडी, जैसा कि आप लोग जान रही है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूलिप जो कि इंपोर्ट होते हैं स्विट्ज़रलैंड से, और स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट होके फिर वो समुद्र के रास्ते में आते हैं मुंबई, और मुंबई से फिर आते हैं यहां पे बाय एयर, और यहां से फिर देख रेख करी जाती है उनकी और उनको लगाया जाता है। कैसे किस तरीके से लगाते हैं, क्या इनकी देख रेख करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो थोड़ा सा जानने का मेरा है, मैं हूँ इच्छुक, लेकिन वो होता है ना क्यूरियोसिटी, सो क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, लेकिन कोई बंदा मिल नहीं रहा है जिससे जानकारी सही तरीके से मिले, तो देखते हैं तब तक मैं बंदा कोई ढूँढता हूँ। और आप लोग पहले कुछ शॉर्ट्स मैंने लिए वो इन्जॉय करो। Fire burning near.
सो इनकी लाइफ खाली सिर्फ 15 से 20 दिन की ही रहती है? 15 से 20 दिन की ही होती है, क्योंकि अप्रैल के बाद ये रहते नहीं है। अच्छा, तो ये पूरा गार्डन अप्रैल के बाद में खाली हो जाता है? इसका सीजन ही अप्रैल का ही है। इस टाइप के फ्लावर भी लगे हुए हैं। सो आप यहाँ पे सारे टाइप के जितने भी फ्लावर्स, ट्यूलिप फ्लावर होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत ही अच्छा सीन है। और अगर ट्यूलिप गार्डन अगर आप लोगों को टहलना है तो आप लोगों को श्रीनगर आपको आना पड़ेगा मार्च या अप्रैल में। मार्च में नहीं, क्योंकि मार्च में लगाए जाते हैं, तो अप्रैल अगर आप आते हो तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर पर्सन टिकट है वो 59 रुपीज़ है, मतलब अप्रॉक्स 60 पर पर्सन 60 रुपीज़ है। और अभी आपको दिखाते हैं कितना बड़ा है। ये ऊपर का एरिया है जहाँ पे मैं अभी आ चुका हूँ पहाड़ के पास में, और नीचे का एरिया दिखाते हैं। ये देखिए, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखेंगे। तो इन्जॉयमेंट मैं उसी तरीके से करता हूँ जहाँ पे मुझे लोग डिफरेंट मिलते हैं, डिफरेंट प्लेस के मिलते हैं और डिफरेंट कल्चर के मिलते हैं। तो हम जब दोनों लोग अनजान और अपने अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं और अपने अपनी जगहों के बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहता है। तो इसलिए मैं इंजॉय और ज़्यादा करता हूँ। आज तक मैंने जो न्यूज़ वगैरह में और डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया इन सब चीज़ों में मैंने देखा था, पढ़ा था, सुना था, उससे टोटली डिफरेंट है। तो मे बी हो सकता होता हो, आगे होता हो कहीं, जो बॉर्डर एरिया है, तो ये सब जगह जो है वो बॉर्डर एरिया के पास में है, लेकिन श्रीनगर और आसपास के इलाकों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब होती हैं, बहुत ही रेयर केस में होती हैं, मतलब हाँ रेयर केसेस में, रेयर केसेस में होती हैं। लाइक अटैक वगैरह और दंगे वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही रेयर केस में होती हैं। तो अभी सीन मैंने एक्सप्लोर किया है थोड़ा सा, और टाइम हो चुका है वापस जाने का। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यार मेरे सामने। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन वो है कश्मीर में, यानी कि श्रीनगर। तो हम लोग बोल सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट बोल सकते हो वर्ल्ड में। सो दिस इज़ अ बिग थिंग, हमारी कंट्री है, और किस तरीके से प्रमोट करते हो वो आपके ऊपर है, किस तरीके से आप दिखाते हो वो आपके ऊपर है। नेगेटिविटी फैलाना बहुत ही आसान है और वो जल्दी फैलती भी है, लेकिन पॉजिटिविटी और वो धीरे धीरे फैलती है, लेकिन जब फैलती है, जब बड़ी होती है, जब ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचती है, तो डिफरेंट एक एंगल बनता है, एक परसेप्शन बनता है, एक जगह का परसेप्शन अलग बनता है। तो देट इज़ अ मेन थिंग। खाली बल्ब आता है हॉलीवुड तक, पत लगाएगा नवंबर तक। अच्छा, नवंबर में आप लगाते हो? नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, तीन महीने में लगाना है। ठीक है, 38 कलर में। अच्छा, तो ये आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा फ्लावर किस रंग का है? इनको वैरायटी तो अलग अलग है, वो डेटा दिया जाता है उनकी दिएगा, अलग अलग कलर, वो अलग अलग कलर में डेटा आता है आपके पास में, उसी डेटा के हिसाब से कौन सी क्यारी पे लगता है वो आप लगाते रहते हो। तो ये कितना टाइम लगता है एक ट्यूलिप को बड़ा होने में? बस 20 दिन लगेगा, जब जमीन में जमेगा ये तब 20 दिन लगेगा। मतलब जमीन में लगाने के 20 दिन बाद वो ऊपर आ जाता है? अच्छा, ये क्या बोलते हैं ट्यूलिप गार्डन, ये कब बना था, कब इसको डिसाइड किया गया था कि ये ट्यूलिप गार्डन जो आज़ाद साहब ने बनाया है? गुलाम नबी आज़ाद है, गुलाम नबी आज़ाद ने, वो चीफ मिनिस्टर था यहाँ। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद, तो उन्होंने डिसाइड किया था इसको ट्यूलिप गार्डन बनाने का। ट्यूलिप गार्डन का असली नाम क्या है? असली तो नाम सरेजी बाग है, सरेजी बाग। हाँ, असली गार्डन ये कुल बॉटनिकल गार्डन, ये ट्यूलिप गार्डन तो 1100 एकड़ है। मतलब पूरा अगर बोटेनिकल गार्डन और ट्यूलिप गार्डन को मिला दिया जाए तो वो 1100 एकड़ है। हाँ। जिसमें ट्यूलिप गार्डन है वो 800 एकड़ है। हाँ। और बोटेनिकल 300, बोटेनिकल 300 एकड़। हाँ। राइट, थैंक यू सो मच सर, आपने कुछ चीज़ें क्लियर करी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ जी हैं, यहाँ पे काम करते हैं गार्डनिंग का। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानना था कि आप लोग जैसे नॉर्मल जो गार्डन में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वो तो चलो खाली मिट्टी खोदी और लगा दिया, यहाँ की मिट्टी भी कहीं और से आती है या नहीं? यही, यहाँ की मिट्टी यहीं पे रहती है? यही भी। अच्छा, सुनने में आया था कि यहाँ की मिट्टी कहीं और से लाई जाती है। नहीं, उसको नहीं। इसमें कुछ डालते हो ना आप ट्यूलिप लगने के लिए, अच्छे लगने के लिए कुछ केमिकल? वो
खाद भी डालना है, पोटाश, पोटाश डाई वही है ना, वही मंगाते हैं बाहर से। अच्छा, पोटाश वोटाश जो भी है वो देता है ना, इसको स्ट्रेंथ देता है। रेट अच्छा वही भी डालना है। देखो यहाँ की मिट्टी में अगर लगाएंगे तो एकदम नहीं ये चढ़ेगा, ये नहीं चढ़ेगा, तो कुछ पोटाश वगैरह डालना पड़ेगा। और ये 14 दिन 15 दिन जब तक ये रहते हैं इनको लाइव भी रखना है ना, ये मत रहेंगे लाइव। यहाँ तक खाली टूलिप 38 कलर लगा था बस, 38 कलर के एक ही महीने के लिए गार्डन, ये सिर्फ एक महीने के लिए गार्डन होता है। 11 महीने तक काम है यहाँ पर, जब उखाड़ना, जब घास निकालना और ट्रैक्टर लगाना, गोबर लगाना, रेट लगाना, खाद डालना है बस। अच्छा, यही काम है 11 महीने। 11 महीने तक कंटिन्यू यही चलता रहेगा। हाँ, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है यार, सिर्फ एक महीने का गार्डन रहता है यानी कि अप्रैल, और बाकी 11 महीने कंटिन्यू इसमें खाद डालते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं और इसको मतलब उपजाऊ ज़मीन बनाते हैं उसको, और ताकि जब भी ट्यूलिप का सीज़न आए तो वो अच्छे से हरे भरे और उस कलर में वो निकल सके। और मेन चीज़ कि यहाँ पे 38 कलर में ट्यूलिप अवेलेबल है। सो अच्छा, ये ट्यूलिप जो जितने भी फ्लावर ये अलग अलग जगह पे भेजे जाते हैं यहाँ से? नहीं, एक ही जगह में रह तो ये जब तोड़ते हो आप निकालते हो, जो निकालना है इसको अलग अलग में क्रेड में लगाना है। ठीक है, वो ग्रेडिंग वेडिंग सॉफ ऑफ करना है, अलग अलग में रखना है, और भी फ्रीजर में लगाना है। अच्छा, ठंडी का है, ठंडी का। हाँ, तो जून जुलाई में ठंडी में रखना है। तो ये इतने सारे फ्लावर जो होते हैं वो करते क्या हो आप, मतलब तोड़ने के बाद? नहीं, उखाड़ना है उसको बस। हाँ, उखाड़ना है, फिर कहाँ ले जाते हो? वो फ्रीजर में, फ्रीजर में रखे रहते हैं। फिर उनको वो होते क्या? सफाई वफाई करना बस। नहीं, मेरे को मतलब है कि जैसे जो दिल्ली वगैरह में ट्यूलिप वगैरह जो बिकते हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, या कहाँ वहाँ पे जो बिकते नहीं, यहाँ पर नहीं बिकते, ये बिकते नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं। इनको सिर्फ आप लगाते हो? हाँ, और रखे रहते हो? हाँ, जो अगले कोई कोई बल्ब मुझे खराब हो सकता है। अच्छा, ये अगले साल फिर इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, यही। अच्छा, अगले साल फिर यही इस्तेमाल करना है? थोड़ा थोड़ा अगर खराब हो जाएगा तो नया लाना है। अच्छा, तो ये अगले साल फिर ऐसे लगा दिए? हाँ। तो इतने ये इसका इतना बड़ा फ्रीजर कहाँ है? वो है ना। अच्छा, उसका फ्रीजर अलग बना हुआ है। हाँ। तो ट्यूलिप गार्डन के सामने ही आपको अप्रैल में इस टाइप से एग्जीबिशन सेंटर लगा हुआ है। कश्मीरी झलक आप लोगों को दिखाते हैं क्या है सीन। अप्रैल में आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, घूमने को मिलेंगी। तो अभी हम निकलते हैं, बाइक उठाते हैं, चलते हैं होटल, क्योंकि इसी के आगे एक परी महल भी पड़ता है, मेरे को जाना भी था वहाँ पर, लेकिन बारिश पड़ रही है। तो बाइक यहाँ पे मैंने पार्किंग में खड़ी करी थी, और बाइक मेरी 2 बार गिरी है। ये गद्दी फटी, ये देखो है, यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, शीशे पे मिट्टी लगी हुई है, ये विंडशील्ड यहाँ से चिटका हुआ है, उधर से चिटका हुआ है, 2 बार गिरी, एक इधर साइड में, राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। भाई गाड़ी गिरी है यार, 2 बार गिरी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। भाई हम तो चलेंगे, लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो काम बंद कर दो, ज़्यादा बेटर है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम्हारा फेस आ रहा है, समझ गए? या तो इस मिट्टी को सही कराओ, या तो लोगों को समझाओ, तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है। ये ट्यूलिप गार्डन का गेट है, और इसी से जस्ट पहले 50 मीटर पहले ही एक पार्किंग है, तो अगर कोई भी देखता है तो प्लीज़ यहाँ पे पार्किंग मत लगाना अपनी बाइक। जब मैं आया था तो कोई जाने नहीं दे रहा था यहाँ पे अंदर साइड में, इसीलिए मैं गया नहीं, पार्किंग से बाइक ले ली और निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ अपना, पहले जाएंगे होटल और वहीं पे थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। इस मौसम में
क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, बारिश हो रही बहुत तेज और मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल। बारिश बहुत तेज हो रही, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया है बिल्कुल। मतलब आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं, ये देखो ये बारिश का नज़ारा, कंटिन्यू बारिश हो रही है। जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मौसम बहुत ही ख़राब है। चलो यहीं पे खड़े होके बनाते हैं। सो सीन कुछ ऐसा है, बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब यहीं पे रुकेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ जो राइट साइड में लगी होती है उसको दबाओ, और जो करना है करो, बस सब्सक्राइब करो भाई। और मेरा मोटो इस ईयर के एंड तक मुझे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, तो प्लीज़ डू समथिंग, आप ही लोगों के हाथ में, और बस करो।